दोस्तों, हम में से सभी की लिस्ट में एक फ्रेंड या कलीग ऐसा ज़रूर होता है जो कंप्यूटर में काम करने में मास्टर होता है, और उन्हें देखकर हमें लगता है कि हम ऐसे हैं। जब भी हम उनके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं तो कई सारे टास्क ओपन होते हैं और उनकी उंगलियां तो ऐसे चलती हैं कीबोर्ड पे जैसे कोई 100 की स्पीड में कार चला रहा हो। पर ये लोग साथ साथ सीरी, कॉर्टाना और कई लोगों के साथ और भी चैट भी करते हैं, साथ साथ गेम खेलते हैं। तो आखिर ये सब काम कैसे होता है? क्या उन्हें कोई मैजिक आता है? जी नहीं, उन्हें हॉट कीज का कॉम्बिनेशन पता है, जो कि आप भी जान सकते हैं इस वीडियो को एंड तक देखकर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट हॉट कीज। तो दोस्तों, आज हम डील करेंगे ऐसे कई सारे शॉर्टकट्स के बारे में जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। चाहे फिर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, या फिर टेबल्स के साथ काम कर रहे हो, या फिर सिंपली आपको टेक्स्ट को डेकोरेट करना हो, ये सभी शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा शॉर्टकट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड, और उसके साथ साथ आपको कुछ बोनस टिप्स भी दिए जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, पैराग्राफ टाइप हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल 3 लाइन का पैराग्राफ है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कंट्रोल ए से। दोस्तों, हमने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, अगर आपको ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एक बार में सेलेक्ट करना हो, यानी कि सेलेक्ट ऑल करना हो, तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस ए। और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते ही डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा लिखा हुआ होगा या फिर जो भी कंटेंट रखा हुआ होगा वो पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जब आप प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा मोटा हो चुका है। इसे वापस हम सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल बी तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल सी। दोस्तों, मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम ए टू सी। अगर आपको स्टार्टिंग के जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं वो पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, और आगे जाके आप इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट शॉर्टकट कीज भी देख सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी। जब आप कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करने के बाद आपको सिंपली उसे पेस्ट करना होगा। आप चाहे टेक्स्ट को कट करें या कॉपी करें, आपको पेस्ट जरूर करना होता है। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, और अब मैं सी से डायरेक्टली स्किप कर रहा हूँ वी तक, क्योंकि पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी। इस प्रकार से जब आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो आपने जो भी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी आपको एक ही बार करना है, और आप जितने बार कंट्रोल वी प्रेस करेंगे आप देखेंगे उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती जाएंगी। अब अगर ये काम हमसे गलती से हो गया है और हम ये काम नहीं करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे अंडू। अंडू का मतलब है जो काम हमने किया है उसे वापस हटा देना। उसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो कि है कंट्रोल जी, यानी कि कंट्रोल प्लस जेड। इस प्रकार से आप एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो लास्ट काम था वो अंडू होगा। एक प्रकार एक बार मैंने फिर कंट्रोल जेड किया और हमारा काम फिर से अंडू, अगेन कंट्रोल जेड। तो इस टाइप से आप अपने काम को अंडू कर सकते हैं। अब जो काम मैंने अंडू कर दिया है, अगर वो मुझे वापस रीडू करना है, यानी कि वही काम वापस लाना है, तब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस वाई। तो हमने जो लास्ट काम किया था जो कि गलती से अंडू हो गया था, उसे आप वापस रीडू भी कर सकते हैं। इसे मैं वापस अंडू कर लेता हूँ, और अब आ जाते हैं हम हमारे टेक्स्ट पर। सो आफ्टर कंट्रोल सी अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। दोस्तों, कंट्रोल डी से एमएस वर्ड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी एक्शन नहीं होता है। कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, जब आप ये की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट में डबल अंडरलाइन आ जाएगी। अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को फिर से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यहाँ से आपके अंडरलाइन जो है वो हट जाएंगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होगा आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ। जब आप कंट्रोल एफ करते हैं तो यहाँ पर ओपन होगा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, जिसके थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को इस डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड वॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे मुझे सर्च करना है कि इस डॉक्यूमेंट में द कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं टाइप करूँगा द एंड फाइंड नेक्स्ट। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पर द को हाईलाइट किया हुआ है। फिर हम क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट। इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर द लिखे हुए हैं वो सभी के सभी वन बाय वन हाईलाइट होंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल जी। जब हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट है पेज का। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली पेज नंबर 5 में जाना चाहता हूँ तो मैं टाइप करूँगा पेज 5 एंड गो टू। तो इस ऑप्शन की हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी पेज में जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल एच। कंट्रोल एच जब आप करते हैं तो यहाँ पर ओपन होगा रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, और आपसे ये पूछा जाएगा आपको किस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर द स्केचर को रिप्लेस करना चाहता हूँ द स्केचर से, मैंने सिंपल कैपिटल कर दिए हैं कुछ वर्ड्स को, और हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल या रिप्लेस।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी रिप्लेसमेंट होंगे उस वर्ड के आपको यहाँ पर देखने में, और हम करेंगे ओके एंड क्लोज। कंट्रोल एच के बाद बारी आती है कंट्रोल आई की। जब हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक होगा। इटैलिक का मतलब हल्का सा स्लैंट हो जाएगा। ये वापस हम कर लेते हैं इसे नॉर्मल कंट्रोल आई से। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होगा जस्टिफाई। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एग्जैक्टली इक्वल जस्टिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल के। जब आप कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो यहाँ ओपन होगा इंसर्ट हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स, और आप डायरेक्टली अब किसी भी टेक्स्ट में हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। यानी कि जब आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली किसी और वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर द स्केचर पर क्लिक करने के बाद एक दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा द स्केचर, प्रेस करेंगे कंट्रोल के, और यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट हाइपर लिंक एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। यानी कि जब मैं द स्केचर पर क्लिक करूँ तब क्या एक्शन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी इमेज ओपन हो जाए, मुझे यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी होगी। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से एक इमेज एंड क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर द स्केचर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है, और जब मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें आपको क्लिक करना होगा ओके। और ओके करते ही आप देखेंगे हमने जो इमेज लिंक की थी वो इमेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब होगा हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट अलाइन होगा, ना कि जस्टिफाइड। कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है उसमें पूरे के पूरे टेक्स्ट में आपको एक टैब का डिफरेंस देखने मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि है बाय डिफॉल्ट 1.5 इंचेस का। कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जब हम प्रेस करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 2, इसे हम कर लेंगे क्लोज। कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से ओपन हो गया यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स, इसमें आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई फाइल बना के रखी है आपको ओपन करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन का। कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से ओपन होगा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, और आप डायरेक्टली यहीं से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ कॉपीज, आपको जो भी यहाँ से प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का एमएस वर्ड में कोई भी काम नहीं है, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू जब आप प्रेस करते हैं तो हमें देखने मिलेगा हमने जो भी टेक्स्ट लिखा था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है सिम्बॉल फॉन्ट में, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। इसे वापस नॉर्मल कर लेते हैं, सिम्बॉल में जाकर हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट था। कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हमारा जो टेक्स्ट है ये कम्प्लीटली राइट अलाइन हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पर अलाइनमेंट है सिर्फ राइट साइड में। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से यहाँ ओपन होगा डायलॉग बॉक्स ऑफ सेव एस, और आप इस डॉक्यूमेंट को जहाँ पर और जिस नाम से सेव करना चाहते हैं आप सिंपली इसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर हेलो ऑल नाम से एंड सेव। कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट में टैब की स्पेसिंग आती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, और अब अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी तो आप देखेंगे उसके नीचे की जो दो लाइंस थी उन दोनों में यहाँ पर एक टैब की स्पेस आ चुकी है। वहीं फिर से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी तो यहाँ पर डबल टैब की स्पेस आपको देखने मिलेगी। कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से आपको देखने मिलेगा यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन, जैसे कि हमने देखा था कंट्रोल शिफ्ट डी से आपको डबल अंडरलाइन देखने मिलती है, वहीं कंट्रोल यू से आपको सिंगल अंडरलाइन देखने मिलेगी। कंट्रोल वी हमने शुरू में देखा था। कंट्रोल वी का काम होगा किसी भी कट किए हुए या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने का। कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से आप देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसे क्लोज करने का कमांड दे दिया गया है। अगर आप इसमें सेव करना चाहते हैं तो आप यस कर लें, एल्स नो कर लें, या फिर डायरेक्टली आप इसे कैंसिल करके आपके काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से होता है कट। आपने जो भी लिखा है ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट था वो कट हो चुका है, अगेन हम इसे पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल वी से। कंट्रोल वाई, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कंट्रोल वाई का काम है रीडू करना, यानी कि जो गलती से आपने अंडू किया था उसे वापस रीडू कर देना, और कंट्रोल जेड का काम है अंडू करना। तो दोस्तों ये थे कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जी तक के कई सारे स्पेशल शॉर्टकट्स। इसी के साथ अब वक्त है बोनस शॉर्टकट कीज़ का। बोनस शॉर्टकट कीज़ के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा किसी भी टेक्स्ट को आप डायरेक्टली अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ये प्रेस करते हैं आप देखेंगे आपका जो भी टेक्स्ट था चाहे वो किसी भी केस में लिखा हुआ हो वो कम्प्लीट टेक्स्ट जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल। इस प्रकार से आप जितने बार भी उस सिंबल को प्रेस करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा होता जाएगा। वहीं पर अगर आपको इसकी साइज़ कम करनी हो तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन सिंबल।
इस प्रकार से आप चाहें तो अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो हर किसी एमएस वर्ड यूजर के बहुत काम के हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम एक और सीरीज बनाएं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के ऊपर तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको इन सभी शॉर्टकट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने इतने सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट बताए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिससे कि आपका काम स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।